उपमंडल मुख्यालय के बीआरसीसी कार्यालय सलूनी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर घर पाठशाला कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रबंधन समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी राजेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को उनके कार्य व कर्तव्यों बारे विस्तार से जानकारी दी। इस समारोह दौरान बच्चों की भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई। कोविड वर्ष 2020 दौरान घर में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए खंड सलूनी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहला स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंजीर की स्कूल प्रबंधन समिति ने हासिल किया, जबकि उच्च पाठशाला में पहला स्थान राजकीय उच्च पाठशाला सुरंगानी प्रबंधन समिति को मिला। वहीं माध्यमिक पाठशाला में पहला स्थान राजकीय माध्यमिक पाठशाला बिरबाड़ी, दूसरा खंडियारू व तीसरा स्थान राजकीय माध्यमिक पाठशाला ब्याना की स्कूल प्रबंधन समिति को हासिल हुआ। इसी तरह प्रारंभिक पाठशाला में पहला स्थान प्राथमिक पाठशाला सिंगा, दूसरा स्थान सुरंगानी व तीसरा स्थान प्राथमिक पाठशाला भुंदरोता की स्कूल प्रबंधन समिति को मिला है। भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान मन्नत कुमारी माध्यमिक पाठशाला ब्याना, दूसरा स्थान काजल जीएमएस खंडियारू, तीसरा स्थान जीएमएस बिरवाड़ी के कीर्तन व चौथा स्थान जीएमएस ब्याना की सिमरन ने हासिल किया। भाषण के प्राथमिक पाठशाला प्रतियोगिता में पहला स्थान ज्योति जीपीएस सिंगा, दूसरा महक सीपीएस सुरंगानी, तीसरा कामाक्षी सीपीएस सलूनी व चौथा स्थान रुचिका जीपीएस शुक्राह ने हासिल किया। चित्रकला प्रतियोगिता में माध्यमिक पाठशाला की भारती जीएमएस ब्याना ने पहला, अंजलि जीएमएस बिरबाड़ी दूसरा, नीना जीएमएस खंडियारू तीसरा व कार्तिक जीएमएस किलोरदो ने चौथा स्थान हासिल किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के प्राथमिक पाठशाला में पहला स्थान कीर्ति सीपीएस सुरंगानी, दूसरा पायल जीपीएस सिंगा, तीसरा रुचिका जीपीएस शुक्राह, चौथा शीतल सीपीएस सलूनी ने हासिल किया। मुख्यातिथि द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं व स्कूल प्रबंधन समिति के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खंड परियोजना अधिकारी सलूनी अनिल कौशल, बीआरसीसी अपर योगेश ठाकुर, बीआरसीसी प्राइमरी राम सिंह, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सलूनी जगदीश शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। हिमाचल तेज खबर के लिए सलूनी से ब्यूरो रिपोर्ट। सलूनी शिक्षा खंड का जो एसएनसी सम्मान समारोह था, उसका आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारे शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने एक हर घर पाठशाला कार्यक्रम जो था वो प्रारंभ किया था, जो जिसमें कि हमारा हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बड़े अच्छे स्थान पर रहा है। और इसमें हमारे सभी अध्यापकों का और विशेषकर जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समितियाँ हैं उनका योगदान रहा है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे चंबा की जो टोपोग्राफी है वो ऐसी है जहाँ पर जो कनेक्टिविटी की वो समस्या हर किसी क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस समस्या से जूझते हुए हमारे अध्यापकों ने घर घर जाकर के बच्चों को रिटर्न मटेरियल जो था वो प्रोवाइड करवाया, और जहाँ पर कनेक्टिविटी थी वहाँ पर हर घर पाठशाला का जो एक जो रोज़ का मैसेज आता था, उसमें जो लिंक आता था, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती थी वो बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो उसमें बहुत अच्छा जो था हमारे चंबा जिला ने विशेषकर किया है, और उसको भी आधार मानते हुए आज हमने उन एसएमसी को बुलाया था जिन्होंने उसके दौरान अच्छा काम किया है, विद्यालयों का अच्छा सहयोग किया है, और आज उन्हें एक सम्मानित भी किया गया है। साथ में विद्यालय प्रबंधन समिति को उनका क्या योगदान रहता है विद्यालय के संदर्भ में, इसके बारे में भी आज उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए काम जो था वो आज किया गया है, और भविष्य के अंदर भी हमारी एसएमसी का क्या रोल रहने वाला है उसके लिए भी हमें उनको आज अवेयर किया है।